आज भी यहाँ पे पटन देवी माता झुलवा झूलती हैं रात में आकर के यहाँ पे इस पीपल के पेड़ के ऊपर। आप देख सकते हैं इस पीपल का पेड़। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम बड़ी पटन देवी मंदिर पटना। एक सब्सक्राइबर का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि भैया एक ब्लॉग बड़ी पटन देवी मंदिर पटना यहाँ का बनाइए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो अभी हम चलेंगे वहाँ मंदिर में, इसी बहाने हम घूम भी लेंगे मंदिर के और देखते हैं मंदिर में क्या कहाँ कौन माता जी हैं वहाँ पे। हमें रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन चलते हैं रूम से बाहर और पूछते हैं किसी से कि बड़ी पटन देवी मंदिर पटना तो रास्ता किस साइड से आएगा, किस साइड से जाना होगा तो बता देंगे। ऐसे ज़्यादा यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अभी चलते हैं मंदिर और देखते हैं, मंदिर दिखाते हैं आप सभी को वहाँ पर और खुद दर्शन करके आते हैं माता जी का। आप सभी एक बात बताइए, ये अंकल लोग ऑटो में इतना कूच कूच के कहे बैठाता है जी, देख रहे हैं मेरा हालत खराब हो रहा है। तो फाइनली अभी आ चुके हैं बड़ी पटन देवी मंदिर का गेट है, अभी चलेंगे अंदर और दिखाते हैं माता जी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पटन देवी मंदिर पटना, जिसके आप पीछे हमारे पीछे देख रहे होंगे ये मंदिर। अभी चलेंगे मंदिर में और मंदिर का सीन अंदर का दिखाएंगे और यहाँ पे जो कहानी कथाएँ हैं भी बताएंगे। और ये है मंदिर का बाहर का सीन, यहाँ पे गुम्बद भी बनाया गया है और ये है मंदिर। और इधर साइड में आपको मंदिर का गेट है, जो कि यहाँ पे 3 गेट हैं। और इधर साइड में आपको पूजा के सामग्री का सामान मिल जाएगा, जो कि आप ले सकते हैं चुंदरी वगैरह, नारियल वगैरह, जितना प्रसाद है सारा लोग आपको। तो अब चलिए चलते हैं अंदर में और मंदिर में मंदिर का सीन दिखाते हैं। आइए इस मंदिर के रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। यह मंदिर बिहार की राजधानी पटना में है, जो ये मंदिर को पटन देवी मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का बेहद रोचक इतिहास है कि कहा जाता है कि यह मंदिर शहर की रक्षा करते हैं, इसलिए मंदिर को रक्षिका पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पे ही बिहार की राजधानी पटना का नाम पटना रखा गया है। इस मंदिर के इतिहास में एक और ये भी है कि पटन देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता पार्वती का जांग गिरा था। और मंदिर के प्रांगण में आपको दिख जाएंगे अलग अलग चित्र से कलाकृतियां किया हुआ भगवान जी का, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं आगे में भी इधर पूरा किया हुआ है। और ये साइड है पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के साइड पीछे में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर गणेश जी का चित्र किया हुआ मूर्ति बनाया हुआ है, ये कृष्णा जी का, अलग अलग रूपों का दर्शाया गया है आगे। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे शंकर जी और पार्वती माता जी का है, और उससे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी का है, और सामने में आप देख सकते हैं पटनेश्वरी माता जी का है, जो कि आगे 2 शेर लगे हुए हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, और काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य। यहाँ पे देखिए शिव जी पार्वती जी के अपने गोद में उठाए हुए हैं, और इस जगह को काफ़ी अच्छा बनाया गया है और ऊपर में भी काफ़ी अच्छा सजाया गया है, जो कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शीशा मार्बल्स द्वारा सजाया गया है, जो कि काफ़ी बेहद मतलब रोमांच और बहुत अच्छा देखने में लग रहा है।
अब चलिए मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं अलग अलग भगवान को जिनका यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। ये हैं गणेश जी और ये हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, और इधर है राम लक्ष्मण, ये हैं कृष्णा जी राधा जी, और ये हैं, और इस साइड बनाया गया है शिवलिंग जो कि शिव भगवान जी का है, और इस साइड बनाया गया है माता जी का अलग अलग रूपों का जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इधर है राम भगवान का प्रतिमा जो कि बनाया गया है यहाँ पे चित्र के द्वारा। ये पीपल का वृक्ष जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो शाखाएँ हैं तीनों अलग अलग हैं। नॉर्मली ऐसा पेड़ में नहीं होता है, ये शुरू से ही अलग अलग इसका है। इसमें जो विश्वासी भक्त हैं, बहुत भक्तों का मानना है कि इसी पेड़ पे कभी रात्रि में तेज हवाओं के साथ वर्षों साल पहले माता का घुंघरू और पायल की आवाज़ें आती हुई महसूस होती थी। तभी ऐसा लगता था कि माँ स्वयं इस पेड़ पर झूला झूल रही है। इसकी प्रमाणिकता आज भी यहाँ पर माँ के तीन प्यारे उल्लू निगरानी करते हुए देखते हैं लोग। यहाँ पे भक्त आज भी यहाँ माता का दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करने यहाँ पे लोग आते रहते हैं। आप सभी दर्शन कीजिए बड़ी पटन देवी माता जी का, जो कि पटनेश्वरी भी इनको कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए माता जी का स्थान है, तो यहाँ पर पुजारी जी इनके माला को बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि इनका सेवा दिन रात चलता है यहाँ पे। तो फाइनली घूम लिए पटन देवी मंदिर पटना, जो कि काफ़ी यहाँ पे कथाएँ पौराणिक कथाएँ एक अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मनाता है। आपने देखा मंदिर, और अभी हम चलते हैं रूम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी मिलेगा, शाम होने ही वाली है। तो आज संडे साथ तो मंदिर घूम लिए और काफ़ी अच्छा लगा मंदिर घूम के, यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद भी ले लिए। यहाँ पे मंदिर देखिए चारों ओर काफ़ी सुंदर और मतलब बहुत मस्त लगाया, जो मार्बल टाइल्स यहाँ का जो शीशा लगाया गया काफ़ी मनमोहक यहाँ पे दृश्य बना रहा है। आपको दिखाते हैं जी, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दिख रहा है। फाइनली आ चुके हैं रूम पे, काफ़ी टाइम हो गया, रात भी हो गया क्योंकि जाम भी लग चुका था पटना में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।